हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में। हम लोग पढ़ रहे हैं एनडीए के लिए फिजिक्स का टॉपिक है सेमी कंडक्टर। देखिए, जैसा ही नाम से ही क्लियर है, हिंदी इनको बोलते हैं अर्धचालक। क्या बोलते हैं? अर्धचालक। अर्ध मतलब आधा, चालक मतलब चालक। जो आधा चालक हो और आधा क्या हो, अचालक। इसके पहले आपने दो तरह के पदार्थ या मटेरियल बड़े थे, चालक यानी कि कंडक्टर, और दूसरे थे आपके अचालक यानी कि इंसुलेटर्स। चालक क्या होते थे, जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है, जिनमें धारा आसानी से प्रवाहित हो जाए, या दूसरे शब्दों में कहें कंडक्ट्स द इलेक्ट्रिसिटी, या और अन्य शब्दों में कहें तो जिनकी चालकता बहुत ज्यादा हो। इसी तरह अचालक में जिनमें धारा प्रवाहित ना हो या डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी या जिनकी चालकता बहुत कम हो, जिनकी चालकता बहुत कम हो, इनको क्या बोलते थे हम लोग? थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा नीचे का, उसको मैं जरा सही कर दूं। अब देखिए, अगर इसी आधार पर हमको परिभाषित करना हो इनको अर्धचालक, देखिए यहां पर हम क्या कह सकते हैं, चालकता के शब्दों में जिनकी चालकता चालकों से कम चालकों से ज्यादा होती है, अर्धचालक कहलाते हैं। जिनकी चालकता चालकों से कम हो और अचालकों से ज्यादा हो, क्योंकि इसमें क्या है, चालकता बहुत ज्यादा तो इनसे कम हो क्योंकि ये अर्धचालक है, और ये अचालक में बिल्कुल कम तो इनसे क्या हो, ज्यादा हो। लेकिन हमें इस आधार पर इनका वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन यहाँ नहीं पढ़ना, जो हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं टॉपिक, वहाँ पर ये वाला क्लासिफिकेशन काम नहीं करेगा, वहाँ हमें दूसरा क्लासिफिकेशन चाहिए, जिसको बोलते हैं बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स। चलिए, बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स, ठोसों का बैंड सिद्धांत, ठोसों का बैंड सिद्धांत। ये क्या कहता है, जैसे आपने इसके पहले पढ़ा हुआ है, कोई एटम है उसका अपना एनर्जी लेवल होगा, तो हर जितने भी आपके ऑर्बिट्स हैं सबके इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, अपना एनर्जी लेवल होता है। अब सॉलिड है मेड अप ऑफ सो मैनी एटम्स, सो
एनर्जी लेवल्स कन्वर्ट्स इनटू एनर्जी बैंड। जो एनर्जी लेवल होता है कि ये n बराबर 1 के लिए है, ये n बराबर 2 के लिए है, ये लेवल लेवल का मतलब एक सीधी रेखा, ये ना होकर ये बैंड बन जाता है। बैंड मतलब कई सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनके लिए n बराबर 1 में ऊर्जा यहाँ आने वाली है और कई हैं जिनके लिए ऊर्जा यहाँ आने वाली है। तो इन बैंड्स के आधार पर हमको चालक अचालक और अर्धचालकों पर क्लासिफिकेशन करना है। तो देखिए दो तरह के बैंड आपको जानने बहुत ज़रूरी हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। आप लोग जानते हैं कि जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और वह वैलेंस इलेक्ट्रॉन जहां पर रहते हैं, जिस ऑर्बिट में रहते हैं, जिस पोज में रहते हैं, उसको बोलते हैं संयोजी पोज। वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये सबसे बाहरी पोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और वही क्या बताते हैं वैलेंसी बताते हैं। थोड़ी सी भी अगर आप इनको ऊर्जा देते हैं तो ये मुक्त हो जाते हैं। मुक्त होने के बाद ये जहाँ जाते हैं वो क्या है, चालक पोस्ट। वैलेंस बैंड के जस्ट बाद क्या मिलेगा, कंडक्शन बैंड। जैसे ही वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी तो उनके कहाँ चले जाएंगे, कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। ठीक है, तो अब जरा देख लेते हैं क्लासिफिकेशन क्या है। ऐसे मटेरियल जिनके वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड आपस में क्या करें, कोइंसाइड करें, इन विच वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड कोइंसाइड टू ईच अदर। मतलब क्या है, समझते हैं जरा, अचानकों को भी
लगातार जिनका चालक कोष पूरी तरह भरा रहे और संयोजी कोष खाली रहे, ऐसे पदार्थ जिनका चालन कोष पूरी तरीके से भरा और डॉट डॉट करके जो बना है वो इलेक्ट्रॉन है, जिनका संयोजी कोष पूरी तरीके से क्या रहे खाली रहे और जिनके संयोजी कोष और चालन कोष आपस में क्या कर रहे हैं कोइंसाइड कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि देखिए जो ईजी है, ईजी को बोलते हैं हम लोग फॉरबिडन एनर्जी गैस, ईजी। चालक यानी कि कंडक्टर के लिए ईजी क्या होगा, जीरो होगा। ये है क्या एनर्जी डिफरेंस बिटवीन सीबी एंड बीबी, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो ऊर्जा का क्या है अंतर है। जैसे अचालकों में अगर आप आ जाए तो देखिए बैलेंस बैंड इनका क्या है पूरी तरीके से भरा, बैलेंस बैंड का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बंद बनाए हुए होता है और चालन कोष का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो फ्री होता है, तो धारा जो प्रवाहित होती है वो चालन कोष के इलेक्ट्रॉन का कारण होती है, इसलिए वहाँ पर धारा आसानी से प्रवाहित होती है, यहाँ पर प्रवाहित नहीं होती है। दूसरे शब्दों में अगर इसको कहें तो ऐसे पदार्थ जिनके चालन कोष संयोजी कोष के बीच में ऊर्जा का अंतर क्या हो बहुत ज़्यादा हो वो क्या कहलाते हैं अचालक। अब देखिए अगर आपको इन इलेक्ट्रॉन्स को देखिए, धारा तभी प्रवाहित होगी जब इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, इसमें सब इलेक्ट्रॉन यहाँ है, अगर इलेक्ट्रॉन को यहाँ से वहाँ ऊपर पहुँचाना है तो इसका मतलब ये है कि ऊर्जा देनी पड़ेगी, तो ठीक है ऊर्जा देके पहुँचा सकते हैं आसानी से, लेकिन जितनी ऊर्जा आपको देनी पड़ेगी उतनी ऊर्जा में वो खराब हो जाएगा, खराब इन द सेंस कि जब आप ऊर्जा देंगे तो उसमें ऊष्मा भी निकलेगी और वो ऊष्मा क्या करेगी उसको खराब कर देगी। अर्धचालक, अब देखिए फिर से परिभाषा बना सकते हैं, ऐसे पदार्थ जिनके संयोजी कोष और चालक कोष के बीच का जो अंतर है वो चालकों से क्या हो ज़्यादा हो और अचालकों से क्या हो कम हो, इसका जो ऑर्डर है ईजी का वो होता है लगभग लगभग 1 इलेक्ट्रॉन और वो है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा, ज़्यादा कुछ भी हो सकता है यानी 3 ही है, इसका ऑर्डर लगभग लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी देखेंगे मटेरियल पर डिपेंड करता है, अगर सिलिकन लिया हुआ है तो 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर जर्मेनियम लिया 0.7 और सिलिकन लिया है तो 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो लगभग लगभग ऑर्डर क्या है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। तो अगर हम इन वाले इलेक्ट्रॉन को, कहाँ के इलेक्ट्रॉनों को, संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन को इतनी ऊर्जा दे दें, इतनी ऊर्जा दे दें तो एक खंड से कहाँ पहुँच जाएंगे चालन कोष में, और जैसे ही चालन कोष से पहुँचेंगे तो धारा प्रवाहित होने लगेगी, इसीलिए इनका नाम अर्धचालक है। जब आपकी मर्जी होगी तब आप इनको चालकों की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर इतनी ऊर्जा दे देंगे तो ये कहाँ पहुँच जाएंगे चालन कोष में और आराम से आपका काम चलने लगेगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये है चालक अचालक और अर्धचालक के क्लासिफिकेशन। हम लोगों को चालक अचालक नहीं पढ़ना है, हम लोगों को पढ़ना है अर्धचालक, और दो तरह के अर्धचालक पढ़ने हैं, एक जर्मेनियम और एक सिलिकॉन, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए फिर आगे देखते हैं क्या है।
आवर्त सारणी में जो चतुर्थ ग्रुप हैं तत्व हैं वो क्या है? अर्धचालक। जैसे एग्जाम्पल जर्मेनियम और सिलिकॉन। तो बेसिकली इन्हीं का हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। चलिए तो देखिए जर्मेनियम का परमाणु कितना होता है 32 और सिलिकॉन का कितना होता है 14। तो इनके बाहरी कोष में से आप बनाएंगे तो 2, 8, 10 और बाद में कितने बचेंगे 4। तो देखिए अगर सिलिकॉन का कोई क्रिस्टल ले लो, सिलिकॉन का क्या लिया आपने क्रिस्टल, उसमें क्या होगा सिलिकॉन कई सारे सिलिकॉन्स लगे होंगे उनको सिस्टमैटिक क्रिस्टल क्या है जिसमें आपका स्ट्रक्चर जो कैसा हो कॉन्टिन्यूअस स्ट्रक्चर। चलिए जरा बना के देखते हैं। इस तरह कई होंगे जहाँ यहाँ 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 सब अगल बगल हमने केवल जितने मक्सद है उतने बना दिए। अब देखिए सबके बाहर उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 4। अपना अष्टक ऑक्टेट पूरा करने के लिए तो चाहिए कितने 8 चाहिए। देखिए एक ये इससे धार ले लेता है, एक इससे धार ले लेगा, एक इससे धार ले लेगा और एक इससे धार ले लेगा। इसी तरह ये वाला इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से ये सब क्या कर लेते हैं अपना ऑक्टेट पूरा कर लेते हैं और ये स्ट्रक्चर क्या हो जाता है स्टेबल हो जाता है। ये जो बॉन्ड बने हुए हैं इनको बोलते हैं सह संयोजक बल। जो उधार वाले बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं सह संयोजक बल, इंग्लिश में बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है अब देखिए ये सब इलेक्ट्रॉन किसमें हैं बॉन्ड में हैं। अब क्या किया जाए कि ये कंडक्शन करने लगे, मतलब कंडक्शन मतलब कुछ करंट मिले। भाई अभी तो कोई करंट नहीं मिल रही ना, तो करंट हमको चाहिए। तो करंट के लिए क्या करना पड़ेगा वो मेन चीज़ है, उसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए दो तरह के आपके सेमी कंडक्टर्स हैं, ठीक है ना। मैं इसको यहाँ थोड़ा मिटा देता हूँ। तो देखिए ये जैसे आपका बना हुआ है ये आपका क्या है, ये है आपका निज अर्धचालक। सिलिकॉन अगर लिया है तो हर जगह क्या है सिलिकॉन ही सिलिकॉन है,
लेकिन इन अर्धचालकों की समस्या क्या है कि सामान्य ताप पर धारा प्रवाहित नहीं होती। सामान्य ताप पर धारा प्रवाहित नहीं होती, क्यों नहीं होती? क्योंकि सब इलेक्ट्रॉन सहसंयोजक बंध बनाए हुए हैं। अब जब तक इलेक्ट्रॉन बंध में है तब तक धारा प्रवाहित करेगा नहीं। अब अगर बंध को तोड़ना है तो ताप क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, वो बात की बात है। इसलिए सामान्य ताप पर अगर बात की जाए, देखिए हर बार जब भी आप ताप बढ़ाते हैं तो डिवाइस के खराब होने का भी खतरा रहता है। एक अधिकतम तापमान ही वो सह सकती है। ताप देने का मतलब क्या है, ऊर्जा देना। तो सामान्य ताप पर जो निज अर्धचालक हैं उनमें धारा प्रवाहित नहीं होगी, ठीक है ना। यहाँ पर एक स्टेटमेंट भी रहता है क्या, एट जीरो केल्विन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स आर इंसुलेटर, आर इंसुलेटर। अगर जीरो केल्विन की बात करें तो जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैं वो क्या है, इंसुलेटर है। इंसुलेटर क्यों है, क्योंकि उनमें कोई करंट नहीं फ्लो कर रही है। अब बात आती है कि बिना टेम्परेचर को बढ़ाए, मतलब डिवाइस भी हमारी खराब ना होने पाए और धारा भी प्रवाहित होने लगे, उसके लिए क्या करना चाहिए? तो उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा बाह्य अर्धचालक, यानी कि एक्सट्रिंजिक सेमी कंडक्टर। तो उन्हीं को आपको डिटेल में पढ़ना है। इंट्रिंजिक का मतलब जान लीजिए, जिसमें कोई भी अशुद्धि ना मिली हो वो क्या है, इंट्रिंजिक सेमी कंडक्टर। और जिनमें अशुद्धि मिली हो वो एक्सट्रिंजिक। एक्सट्रिंजिक को डिटेल में पढ़ना है, इसको थोड़ा बहुत लिख लीजिए अपने शब्दों में, बना लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग बाह्य अर्धचालकों के बारे में।
ऐसे रचानक जिनमें अशुद्धि के रूप में कुछ तत्व तो मिला दिए जाए। देखिए दो तरह के हैं, एक है आपका पी टाइप अर्धचालक यानी पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक है आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर। ये क्या है, जब निज अर्धचालक यानी कि शुद्ध अर्धचालक में तीसरे ग्रुप की कोई अशुद्धि मिला दे, जैसे अल्मोनियम या गैलियम। ये क्या है, जब निज अर्धचालक में पांचवें ग्रुप की कोई अशुद्धि मिला दे, जैसे फास्फोरस, एंटीमनी और तमाम है, तो कोई भी पांचवें ग्रुप की उठाकर इसमें मिला देंगे। अब देखिए मिला देने से जो होने वाला है वही हमारे काम का है, निज अर्धचालक तो हमारे काम करता नहीं, हमारे काम का क्या है, बाह्य अर्धचालक। तो जरा देखेंगे बात कर लेते हैं, जिसकी पहले एन टाइप ये याद करिए हमारा क्या था, स्ट्रक्चर था और यहां पर जो सिंगम था, मान लीजिए आपने कुछ अशुद्धि मिलाई तो पहले वो आ गया, तो ये अशुद्धि मिला देते हैं फास्फोरस। फास्फोरस में होता क्या है, फास्फोरस पांचवें ग्रुप का तत्व है, तो इसके बाहर कोष में पांच इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ये बना लिया, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये और एक यहाँ बना लिया, ये वाला इसके साथ बंध बना लेगा, ये वाला इसके साथ बंध बना लेगा, ये वाला इसके साथ बना लेगा, ये वाला इसके साथ बना लेगा। अष्टक क्या हो गया, पूरा हो गया। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कैसा इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन। क्यों फ्री है, क्योंकि किसी भी बंध में नहीं है, ऐसा इलेक्ट्रॉन है ये मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब अगर ये बंध में नहीं है तो गति करने के लिए स्वतंत्र है, अर्थात धारा प्रवाहित कर सकता है। अब देखिए एक फास्फोरस मिलाया तो एक इलेक्ट्रॉन मिला जो कैसा था, मुक्त था। दो फास्फोरस मिलाएंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, दो इलेक्ट्रॉन इसी तरह मिलाते चले जाएंगे। एन फास्फोरस तो कितने इलेक्ट्रॉन दे जाएंगे, एन इलेक्ट्रॉन, मतलब जितने चाहिए उतने मिलाते चले जाएंगे। एक क्या दे रहा है, एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अब देखिए पहले ये क्या था, न्यूट्रल था, मान लीजिए इसके बाद जितने प्रोटॉन थे उतने इलेक्ट्रॉन थे, जितना धन आवेश उतना ऋण आवेश। अब आप फास्फोरस मिलाते जा रहे हैं, मिलाते जा रहे हैं, मिलाते जा रहे हैं, तो क्या आता जा रहा है, ये ना बोलिए गलती से कि ऋण आवेश आता जा रहा है। अभी भी ये कैसा है, न्यूट्रल है यानी कि उदासीन है। भाई आपने फास्फोरस मिलाया, देखिए आपका जो सिलिकन था वो कैसा था, न्यूट्रल। आप ये रखा है मान लीजिए सिलिकन न्यूट्रल रखा है, ये आप हाथ में फास्फोरस लिए हैं, आपने दोनों को मिला दिया, तो जब दो न्यूट्रल चीज़ों को मिलाएंगे तो आवेश थोड़ा ना आ जाएगा। भाई ये फास्फोरस का इलेक्ट्रॉन अगर आप लेंगे तो इसके पास एक पॉजिटिव आयन भी तो आ जाएगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो वो पॉजिटिव आयन तो इसी मटेरियल में रहेगा, तो ये उदासीन ही है। कहने का मतलब ये है कि इसमें जो चार्ज कैरियर्स हैं आवेश वाहक हैं, क्या है आवेश वाहक, वो क्या है इलेक्ट्रॉन, मतलब आवेश को लेकर जो चल रहे हैं वो क्या है इलेक्ट्रॉन है। अब जरा आ जाइए इसमें पी टाइप में, फिर से इसी चित्र को इस तरह बना लीजिए, ये है सिलिकॉन मिला दिया आपने अल्मोनियम, इसके बाद कोष में तीन इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ बना लिया, एक यहाँ बना लिया, एक यहाँ बना लिया, ये वाला इसे बंद बना लेगा,
ये वाला इसके साथ बना लेगा, ये वाला इसके साथ बना लेगा। अब इसके साथ बंद बनाने में कोई नहीं, यानी इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर एक क्या है कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी को हम नाम देते हैं कोटर। इसके बारे में विस्तार से समझेंगे हम लोग। तो देखिए एक अल्मीनियम मिलाया, एक क्या मिला दो मिलाएंगे दो होल मिलेंगे, अगर एन अल्मीनियम मिला लेंगे तो एन होल मिल जाएंगे। यहाँ पर जो आपके आवेश, अभी समझेंगे इस होल को अच्छे से, यहाँ पर जो आवेश वाहक हैं वो क्या हैं होल्स यानी कि कोटर। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको ज़रा। यहाँ तक बात होगी, एक जगह समझ लेते हैं होल क्या है, होल के बारे में समझ लेते हैं। संयोजक बंध में हर जगह नहीं, केवल सहसंयोजक बंध में इलेक्ट्रॉन की रिक्तता यानी डेफिशिएंसी को होल कहते हैं। सहसंयोजक बंध में इलेक्ट्रॉन की रिक्तता को होल कहते हैं। ठीक है ना, चलिए जैसे मान लीजिए कि ये कोई इलेक्ट्रॉन वो बंद बनाए हुए थे। अब मान लीजिए आपने इसको क्या दी, ऊर्जा दी, तो ऊर्जा जब मिलेगी तो ये बंद टूटेगा। मान लीजिए ये वाला इलेक्ट्रॉन टूटते चला गया यहाँ बाहर, तो ये जो इसकी खाली जगह है इसको क्या कहते हैं होल। तो होल हमेशा कहाँ पाया जाता है, सहसंयोजक बंध के अंदर। जब बंध क्या होता है, टूटता है इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाता है। अब जरा होल के बारे में कुछ चीज़ें समझ, ठीक है चलो। मान लीजिए ये सब क्या है आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ ध्यान से समझिएगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मान लीजिए एन पर बंध टूटा और एन का जो इलेक्ट्रॉन था वो बाहर चला गया, ये क्या बनाया हुआ है वैलेंस बैंड। तो एन पर क्या आ जाएगा, एक होल आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो क्या क्या होल, होल है क्या इलेक्ट्रॉन की कमी। इस कमी को पूरा करने के लिए जो एम वाला इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएगा, एन की तरफ। एम वाला इलेक्ट्रॉन पहुँच गया एन, तो अब इलेक्ट्रॉन की कमी कहाँ हो गई, एम पर।
अब इस कमी को पूरा करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, इलेक्ट्रॉन पहुँच गया यहाँ और होल पहुँच गया यहाँ, इसको पूरा करने के लिए यहाँ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन पहुँच गया यहाँ, होल पहुँच गया यहाँ। अब जरा पूरा सिनारी अगर आप ध्यान से देखें तो जो इलेक्ट्रॉन था वो कहाँ से कहाँ चला, इलेक्ट्रॉन जहाँ था फिर यहाँ फिर यहाँ यहाँ के से एन की तरफ, और जब आपका होल है वो चला एन से के की तरफ, क्योंकि होल के चलने की दिशा इलेक्ट्रॉन के चलने की दिशा की क्या है, विपरीत है, इसलिए होल को हम लोग पॉजिटिव चार्ज की तरह मान सकते हैं, होता नहीं है मान सकते हैं, ठीक है ना, होल है कुछ नहीं, इलेक्ट्रॉन की खाली जगह। अब देखिए तो करंट की जो डायरेक्शन है, अगर किसी दूरी में चले इलेक्ट्रॉन के चलने के अपोजिट होती है, सबको मालूम है, या क्या कहते हैं होल के चलने की दिशा में, क्योंकि दोनों में विपरीत चार्ज है ना, विपरीत आवेश है ना। अब देखिए बात आती है कि आखिर ये हम होल क्यों ले रहे हैं, क्या जरूरत थी हमें, तो जरूरत ये थी कि देखिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया, फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, या तो किसी मैकेनिज्म को समझने के लिए हम चार पांच तरह के, या यहाँ चार पांच की बात हो रही है, अन्य तो बहुत सारे होंगे, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन की बात करें या केवल और केवल एक होल की बात करें, किसकी बात करें, होल की बात करें, तो एक होल की बात करना ज़्यादा आसान है इन कंपेयर टू कई सारे इलेक्ट्रॉन्स के मोशन की बात करना। तो कई सारे इलेक्ट्रॉन के मोशन में बात करने के बजाय हम इसकी बात कर लेते हैं एक होल के मोशन की, और क्योंकि होल का जो बिहेवियर है वो इलेक्ट्रॉन के जैसा होती थी, भाई हाई है इलेक्ट्रॉन जब गया तब वो आया, तो जो इलेक्ट्रॉन है उसका चार्ज नेगेटिव आप जानते हैं तो होल का चार्ज पॉजिटिव मान लेते हैं, जो इलेक्ट्रॉन की करंट होती है वो इलेक्ट्रॉन के चलने के अपोजिट डायरेक्शन में चलती है, और होल की जो करंट है वो होल के चलने की डायरेक्शन में चलती है। ये सब बातें होल के बारे में आप जान गए तो आपने देखा कि जो पी टाइप अर्धचालक हैं उनमें होल क्या है, ज़्यादा है, भाई एक मिलाएंगे तो एक होल मिलेगा, तो उसमें जो आवेश वाहक है वो क्या है, होल्स हैं, और एन टाइप में क्या है, आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन। क्लियर है बात, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम लोग सन डी डायोड, पीएन जंक्शन डायोड, संधि डायोड देखिए क्या है, नाम है उसका पीएन जंक्शन, मतलब पी और एन में क्या बनाना है, जंक्शन। ये मान लीजिए पी है, एन है, पी में ढेर सारे क्या है घटक और कुल बहुत इलेक्ट्रॉन कैसे आए बता रहे हैं, एन में ढेर सारे क्या हैं इलेक्ट्रॉन और दो चार टोटल। देखिए जब आपका अर्धचालक नॉर्मल था, मान लीजिए कि आप दसिया शुद्धि मिलाई हुई है, तो देखिए आप सामान्यतः रूम तापमान पे काम करेंगे तो रूम तापमान पर जो इनके पास ऊर्जा रहेगी वो कितनी रहेगी, 3/2 kT। टी का मान रूम तापमान पर कुछ ना कुछ होगा, यानी कुछ ना कुछ ऊर्जा इनके पास रहती है रूम टेम्परेचर पर, जिसकी वजह से कुछ बंद अपने आप टूट जाते हैं। जो बंद टूटने की वजह से आए हैं वो ये, और अशुद्धि की वजह से जो आए हैं वो बने हुए हैं, मतलब जो ये यहाँ पी पर जो इलेक्ट्रॉन बना दिए हैं और एन पर जो टोटल बना दिए हैं वो किस वजह से आए हैं, बंद टूटने की वजह से, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन तो रहे ही रहे होंगे, कुछ बहुत कोटर भी हैं, यहाँ कोटर है ही है, इलेक्ट्रॉन भी है। अब आपने इसको जोड़ दिया, तो जोड़ने का जो मेथड है वो क्या है, मेथड टू जॉइन पीएन जंक्शन, इसको बोलते हैं एलॉय। और भी कई तरह के मेथड हैं, केमिकली आप ज्वाइन कर सकते हैं, यार कई तरीके हैं। एक एलॉय मेथड होता है जिसका यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है, सब्सटेंस को हीट करके ऐड कर देते हैं।
अब जैसे ही देखिए आप ई एन को मिलाएंगे तो एक प्रक्रिया होती है विसरण, विसरण को बोलते हैं डिफ्यूजन। क्या होता है ये? उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर प्रवाह, उच्च सांद्रता मतलब हायर कंसंट्रेशन और निम्न सांद्रता मतलब लोअर कंसंट्रेशन। जैसे एग्जाम्पल में ऊष्मा का प्रवाह कहाँ से कहाँ होता, उच्च ताप से निम्न ताप, दूसरा धारा का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव, उच्च विभव से निम्न विभव। इसी तरह जो यहाँ पर देखिए इस अगर इस तरफ की बात करें तो यहाँ पर मोटर बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर मोटर बहुत कम है, यहाँ इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन बहुत कम है, तो जो मोटर है वो चलेंगे यहाँ से यहाँ और जो इलेक्ट्रॉन है वो चलेंगे यहाँ से यहाँ, मतलब जो होल्स हैं वो चलेंगे पी से एन की तरफ और जो इलेक्ट्रॉन है वो चलेंगे एन से पी की तरफ। अब जरा ध्यान से देखिएगा, एक बल्ब से जब इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया था तो होल मिल गया था, अगर ये इलेक्ट्रॉन इस होल से वापस मिल जाए तो फिर से बंद बनेगा कि नहीं बनेगा? अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जैसे मूव करना शुरू किया तो होल गया यहाँ, इलेक्ट्रॉन आया यहाँ, ये इससे मिला बंद बना, ये इससे मिला बंद बना, तो थोड़ी देर बाद जो पोजिशन हो गई वो इस तरह की हो गई। माइनस प्लस क्या है, ये आयन है, क्या है आयन, आयन मतलब क्या? देखिए जब ये दोनों कैसे थे, न्यूट्रल थे, आपको बता चुका हूँ कि आप अगर शून्य मिलाते हैं तो अगर आप उससे इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो उस पर पॉजिटिव आयन आ रहा है, अगर आप उसको दे रहे हैं तो उस पर निगेटिव आयन आ रहा है, बिल्कुल मिलाइए तो मटेरियल क्या रहेगा, न्यूट्रल। अब जब यहाँ का एक धनावेश यहाँ चला गया, या दूसरे शब्दों में कहें तो यहाँ का ऋणावेश यहाँ आ गया, जब यहाँ का ऋणावेश उठकर यहाँ आएगा तो यहाँ ऋणावेश क्या हो जाएगा देखता, और जब यहाँ का धनावेश यहाँ जाएगा तो यहाँ धनावेश क्या हो जाएगा देखता, तो ये बना दिया है। अब ये आयन्स हैं, आयन छोटे मोटे इनमोबाइल, इनमोबाइल का मतलब चलते नहीं है, जो पहनते नहीं है। अब देखिए सांद्रता अभी भी यहाँ इलेक्ट्रॉनों की ज़्यादा है, यहाँ मोटरों की ज़्यादा है, मोटर अभी भी चाहेंगे कि हम यहाँ से यहाँ जाएँ, लेकिन जैसे ही यहाँ से यहाँ जाने का प्लान करेंगे तो ये पॉजिटिव आयन से क्या करेंगे प्रदर्शित करेंगे, इसकी वजह से कूलाम के नियम की वजह से कूलाम का नियम क्या रहता है, समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं प्रतिकर्षित करते हैं, तो ये एक दूसरे को क्या करने लगेंगे प्रतिकर्षित करने लगेंगे। तो यानी कि जैसे ही ये सिस्टम बना यहाँ पर वैसे ही आवेशों का प्रवाह रुक जाएगा, इसको बोलते हैं हम लोग अवक्षय परत, डिप्लेशन लेयर, क्या बोलते हैं अवक्षय परत, डिप्लेशन लेयर। चलिए अब देखिए अगर इसको मैं बनाना चाहूँ तो यहाँ पर मैं एक नेगेटिव पोटेंशियल बना सकता हूँ, नेगेटिव पोटेंशियल इन द सेंस कि नेगेटिव चार्ज का बना दिया छोटा वाला बना दिया, ये पॉजिटिव है बड़ा वाला। अब ये देखो ये जो आपका पॉजिटिव है इस पॉजिटिव को रिपेल कर रहा है और ये यहाँ के इलेक्ट्रॉन है उनको रिपेल कर रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग प्राचीर, विभव प्राचीर, विभव प्राचीर, इंग्लिश में बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर, बैरियर सब सबको जानते होंगे। ये क्या है, बैरियर की तरह काम कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन और होल्स को इधर उधर नहीं जाने दे रहा है, जैसे पुलिस का बैरियर होता है। तो यानी कि जैसे ही आपने पीएन जंक्शन को बनाया,
वैसे आवेशों का प्रवाह तो शुरू हुआ, लेकिन विद इन सेकेंड मतलब बहुत जल्द ही ये अवक्षय परत बन के तैयार हो जाती है। और जैसे ही अवक्षय परत बन के तैयार होती है वैसे ही आपका क्या है, आवेशों का प्रवाह रुक जाता है। और आवेशों का प्रवाह रुक गया तो धारा की संभावना ही नहीं होगी, जब तक आवेश चलेगा नहीं तब तक धारा मिलेगी नहीं, तो धारा मिलना यहाँ से क्या हो गई, बंद हो गई। अब हमको तो चाहिए धारा, तो अगर धारा चाहिए तो उसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम इस पर एक बैटरी लगाते हैं बाहर से, इसको बोलते हैं बायसिंग। तो अब हम देखेंगे दो तरह की बायसिंग है, एक फॉरवर्ड बायस और एक रिवर्स बायस, एक को बोलते हैं अग्रविनत एक को पश्चविनत, और देखेंगे कि उसमें ये कैसे काम करते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ के देखते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, जब पीएन जंक्शन में बैटरी इस प्रकार लगाई जाए कि वो विभव प्राचीर का विरोध करे, तो विभव प्राचीर का विरोध करने का मतलब समझ रहे हैं, गलत संविधान देखिए तो गलत समझ में आएगा। यहाँ पर बन चुका था,
कि इस पर बैटरी लगानी है, पीएन जंक्शन में इस प्रकार लगानी है कि विभव प्राचीर का विरोध करे। तो भैया पी के पास निगेटिव है, इसके पास पॉजिटिव है, तो इसका विरोध करने का तरीका क्या है कि आप पी पर क्या लगा दें पॉजिटिव और एन पर क्या लगा देंगे। अब इस निगेटिव का ये पॉजिटिव विरोध करेगा, इस पॉजिटिव का निगेटिव विरोध करेगा। अब विरोध करने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए यहाँ पर जो विभव बन के तैयार हुआ है, एग्जाम्पल के लिए मान लें, तो मान लें अगर माइनस दो वोल्ट का बन के तैयार हुआ है तो आपको कम से कम प्लस दो लगाना पड़ेगा। जब प्लस दो लगाएंगे तभी ये इसको क्या कर पाएगा, हटा पाएगा। तो देखिए हम लोग यहाँ पर क्या लगाते हैं, वोल्टेज। अब देखिए ध्यान से, अगर जर्मेनियम की बात करें तो 0.3 वोल्ट पर ये टूट जाएगा, और सिलिकन की बात करें तो 0.7 वोल्ट पर ये टूट जाएगा। तो यानी कि अगर सिलिकन लेकर काम कर रहे हैं तो इसको कितना देना पड़ेगा, 0.7, तो ये क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। अब मान लीजिए आपने शुरू किया, इधर ग्राफ भी देख से चलते हैं, वी फॉरवर्ड और आई फॉरवर्ड, तब अग्रभिनत का विभव ये वी फॉरवर्ड, अब जो धारा बहेगी वो आई फॉरवर्ड। अब ये मान लीजिए क्या, 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07। अब देखिए होना ये है कि आपने यहाँ से दिया है क्या ऊर्जा, मान लीजिए आपने दिया 0.1 वोल्ट लगाया। अब 1 वोल्ट लेके यहाँ से गया, ये क्या बैटरी क्या करती है, आवेशों को ऊर्जा प्रवाह प्रदान करती है। तो अभी इन इलेक्ट्रॉन्स की आई मोटर के पास, क्या आई होल्स के पास ऊर्जा आई, इस ऊर्जा को लेकर ये कहाँ गए, इधर को जाएंगे, लेकिन ये क्या है बड़ा टर्मिनल इधर भेजे गए। अब ये जाएंगे यहाँ आयन बैठे हैं, बंध बनाए हुए, बेसिकली ये क्या है बंध बने हुए हैं, आपको बंधों को तोड़ना है, तो बंध को तोड़ने के लिए ऊर्जा चाहिए। अब आप 0.1 वोल्ट लेके जा रहे हैं तो आप नहीं तोड़ पा रहे हैं क्योंकि आपकी ऊर्जा कम है, तो ये जाएंगे टकरा के वापस लग जाएंगे, धारा प्रवाहित नहीं होगी। जब धारा प्रवाहित नहीं होगी जीरो, फिर आपने 0.2 वोल्ट किया, अभी भी नहीं तोड़ पाए, फिर 0.3 वोल्ट किया, तो अगर जर्मेनियम की बात करें तो फूट गया बंद, और यहाँ से क्या मिलने लग गया, तो धारा किसके लिए है, जर्मेनियम के लिए। अगर सिलिकन होता तो अभी भी 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 पर ये क्या हो जाता, धारा मिलने लगती, इसके लिए सिलिकन। ये हो गया आपका अग्रभिनत। तो अग्रभिनत जैसे कि आप थोड़ा सा वोल्टेज देते हैं, देखिए 0.7 वोल्ट कोई बहुत बड़ा वोल्टेज नहीं दे दिया, वोल्टेज छोटा सा ही दिया है, लेकिन छोटे से वोल्टेज में ही ये अच्छे परत क्या हो चुकी है, टूट चुकी है, बंद क्या हो चुके हैं, टूट चुके हैं, और ये जो विभव प्राचीन था ये खत्म हो चुका है, और धारा हमारी आसानी से प्रवाहित हो रही है। अब देखिए होता ये है कि जैसे ही आप इसको 0.7 वोल्ट देते हैं, इसको बोलते हैं नी वोल्टेज, क्या बोलते हैं इसको, नी वोल्टेज, ठीक है ना, या इसको क्या बोलते हैं, कट ऑफ वोल्टेज, कट ऑफ वोल्टेज, मतलब इतने पे डायोड क्या हो जाएगा, कंडक्ट करने लगेगा, ठीक है ना। तो जरा ध्यान से देखिए, अब देखिए शुरू में धारा बिल्कुल नहीं मिल रही थी, अब जैसे ही सफिशियंट आप यहाँ पर विभवांतर लगा देंगे अग्रभिनत का, सब बंद एक साथ टूट जाएंगे क्योंकि सब एक ही तरह के बंद हैं, और जब सब बंद एक साथ टूट जाएंगे तो ढेर सारी क्या मिलेगी, धारा मिलेगी। देखिए ग्राफ कैसा जा रहा है, बिल्कुल उठता हुआ चला जा रहा है, ये तो आपका क्या हो गया, अग्रभिनत हो गया। अब उत्क्रम अभिनत दूसरा होता है फॉरवर्ड बायस। अब देखिए बैटरी लगाने के दो ही तरीके हैं, एक आपने जिस तरह अभी लगाई हुई है, और दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं कि इसको जस्ट रिवर्स कर दें। भाई बैटरी लगाने के कितने तरीके हो सकते हैं, दो ही तरीके हो सकते हैं, एक जिस तरह लगी है उस तरह लगा दिया, एक उसका रिवर्स कर दिया। अब रिवर्स करने में क्या होगा, जरा उसको देख लेते हैं। विभव प्राचीर का विरोध न करके क्या करें, सपोर्ट करें, तो उसे रिवर्स बायस बोलते हैं, उत्क्रम या पश अभिनत कैसे हैं, जल्दी जरा लगा के देखते हैं। ये भी ऋणात्मक था, ये भी ऋणात्मक, इसको जिस तरीके बना उसी तरीके बना दिया, यहां बना लेते हैं क्या,
यहाँ बना लेते हैं हम लोग रिवर्स वोल्टेज और यहाँ रिवर्स आई आर, ठीक है ना। अब देखिए होगा क्या, ये आप इसका मान बढ़ाएंगे तो ये जो यहाँ पर क्या है धन आवेश है उनको अपनी तरफ खींचेगा, और ये धन जो टर्मिनल बड़ा वाला टर्मिनल ये ऋण आवेश को अपनी तरफ खींचेगा। जब ये खींचेगा तो ये आवेश सब इधर सरकते चले जाएंगे, ये इधर सरकते चले जाएंगे, यानी कि जो अवक्षय परत है, अवक्षय परत देखिए ऐसी परत होती है जहाँ पर कोई मुक्त आवेश न पाया जाए, सब बंद में है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप उसको बढ़ाते जाएंगे तो यहाँ से मुक्त आवेश और दूर होते जाएंगे। इसको दूसरे शब्दों में कहते हैं कि अवक्षय परत की चौड़ाई बढ़ती जाएगी। जब अच्छे पर की चढ़ाई बढ़ती जाएगी तो धारा प्रवाहित होने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि कोई आर पार जा ही नहीं पाएगा, बड़ी मुश्किल। लेकिन अब जरा दूसरे नजरिए से गौर करिए, बात करते हैं जो पी टाइप में दो चार इलेक्ट्रॉन हैं और एन टाइप में जो दो चार प्रोटॉन हैं, इनके लिए जो आपने ये बैटरी लगाई हुई है, ये बैटरी इनके लिए अग्रमिनत का काम करे। जरा ध्यान से देखिए, अग्रमिनत अगर आपको याद हो, ये पॉजिटिव यहाँ होता था और निगेटिव यहाँ होता था, किसकी बात करते थे आप, पोटर के पास पॉजिटिव और इसके बाद निगेटिव। तो यहाँ भी देखिए, जो ये पोटर हैं दो चार, इनके पास पॉजिटिव है और जो ये इलेक्ट्रॉन है इनके पास निगेटिव है। मतलब जैसे जैसे आप इनको इसको बढ़ाते जा रहे हैं तो ये जो पोटर है वो यहाँ आते जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जा रहे हैं, लेकिन जो यहाँ के इलेक्ट्रॉन और यहाँ के पोटर हैं इनको कुछ ऊर्जा मिल रही है, और उस ऊर्जा के साथ वो कहाँ जा रहे हैं, लेकिन ऋण इधर भेजेगा इसको, धन इधर भेजेगा, तो इलेक्ट्रॉन जाके इन बंधों से टकरा रहे हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि ये क्या है, अल्पसंख्यक है। जहाँ पिछली बार उसने क्या होता था, बहुत सारे कोटर जाते थे एक साथ धक्का मारते थे, यहाँ पर गिने चुने हैं दो चार इधर, मतलब बनाने की बात अगर करें, बाकी होंगे तो ज़्यादा ही, लेकिन उनकी तुलना में ये भी बहुत ज़्यादा होंगे। अब ये माइनॉरिटी चार्ज करिएट्स को बोलते हैं, यानी कि अल्पसंख्यक वाहक इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर क्या है कोटर रिवर्स बायस, यानी कि उत्क्रम अभिनत का पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि ऊर्जा लेके जा तो रहे हैं लेकिन ये बन नहीं तोड़ पा रहे हैं। आपने और ऊर्जा दी, अब अच्छे परत और बढ़ रही है, एक तरफ दुश्मन की शक्ति बढ़ रही है जोर शोर से, और आपकी शक्ति लिमिटेड है क्योंकि आपकी संख्या लिमिटेड है। अब जैसे जैसे आप इनको क्या देते जाएंगे, ऊर्जा देते जाएंगे, वैसे वैसे इनके पास ऊर्जा आती जाएगी। एक समय बाद इनके पास इतनी ऊर्जा आ जाती है अल्पसंख्यक वाहकों के पास, पी टाइप के इलेक्ट्रॉन और एन टाइप के प्रोटॉन के पास, ये इस अच्छे परत को तोड़ देते हैं। जब ये तोड़ देंगे तो धारा प्रवाहित होने लगती है। जब धारा प्रवाहित होने लगती है तो अचानक से क्या लगती है, ढेर सारी धारा, इसको बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। यानी कि पिनियन समझी का क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एवलांचिंग ब्रेक डाउन, यानी कि हिंदी में एवलांच भंजन, एवलांस भंजन। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है लगभग 150 वोल्ट के आसपास। तो बात यह आती है कि क्या 150 वोल्ट पे ब्रेक डाउन कराना सही है, मतलब धारा तो देखिए भरपूर मिलने लगी, क्योंकि जैसे ही टूटेगी धारा मिलने लगेगी, लेकिन 150 वोल्ट तक जब आप इसको लेकर जाते हैं तो इस पर इतनी ऊष्मा निकलने लगती है कि ये डिवाइस क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती है, डिवाइस क्या जाती है, ख़राब हो जाती है। इसलिए इसका ब्रेक डाउन नहीं कराना, मतलब रिवर्स बायस में पड़ेगा तो यूज ही नहीं करना, करना है तो इससे वोल्टेज कम ही रहना चाहिए, कहना चाहिए कम ही रहना चाहिए। इसको बोलते हैं पीक इनवर्स वोल्टेज, पीक इनवर्स वोल्टेज, मतलब रिवर्स बायस का वह वोल्टेज जिस पर डायोड सुरक्षित बना रहे, जिस पर डायोड सुरक्षित बना रहे, इससे बढ़ा देंगे ब्रेक डाउन हो जाएगा, एवलांस भंजन। तो एवलांस भंजन क्या है, जब पीएन संधि पर पश्चिम अभिनत का मान बढ़ाते जाते हैं तो अल्पसंख्यक आवेश वाहकों द्वारा अवक्षय परत को तोड़ने की घटना को एवलांस भंजन कहते हैं।
ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं, ब्रेक डाउन वोल्टेज, हिंदी में भंजक विभवांतर। हिंदी में क्या बोलते हैं, भंजक विभवांतर। तो कहने का मतलब यहाँ पर देखिए क्या निकल के आया। देखिए बात यह है कि ग्राफ से देखने में लग रहा है कि रिवर्स बायस में करंट फ्लो करे, लेकिन बेसिकली ये वोल्टेज बहुत ज़्यादा है तो हम इसको करंट को फ्लो नहीं कराते, यहाँ रिवर्स बायस ब्रेक डाउन नहीं कराते। तो मोटी सी बात यह है कि जो आपका डायोड है वो फॉरवर्ड बायस में धारा प्रवाहित करता है और रिवर्स बायस में धारा प्रवाहित नहीं करता। मतलब ये वो चीज़ लिख दी जिसका उपयोग हम लोग न्यूमेरिकल में करेंगे, ठीक है ना। डायोड का जो सिंबल है पीएन डायोड का वो इस तरह का है, दो सिरे हैं इसके, क्या है डायोड, ये जो त्रिभुज है ये पी बताता है और जो लाइन ये क्या बताती है, तो ये क्या है पीएन डायोड का चिन्ह। इस तरीके से आप इसको बनाएंगे जब भी किसी परिपथ में बनाना होगा। तो आज हम लोगों ने देखा अर्धचालक, चालक और अचालकों का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ जो डेफिनेशन की कंडक्टिविटी यानी कि चालकता की, फिर किसके आधार पर देखा, ठोसों के बैंड सिद्धांत के आधार पर, वैलेंस बैंड संयोजी कोष के आधार पर। फिर हम लोगों ने देखा अर्धचालक क्या है, पी टाइप देखा, एन टाइप देखा, दोनों को मिलाकर संधि बनाया, उसके बाद देखा फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। तो आज की क्लास को यहीं पर रखते हैं और कल हम लोग इसके आगे का पोर्शन कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।